नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर के लोगों से भावुक अपील। पिछले लगभग एक महीने से अशांति से जूझ रहे कश्मीर के निवासियों से मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि कश्मीर को विकास पथ पर चलने के लिए जो भी मदद चाहिए उसके लिए भारत सरकार हर कदम पर उसके साथ है। आजादी के 70 वर्ष के मौके पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा से 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम की शुरुआत करने यहां आए मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार तक कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहती है, पर कुछ लोगों को विकास पच नहीं रहा है, वे विनाश चाहते हैं। कश्मीर के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आइए सभी मिलकर कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बनाएं। आसाराम को फिर झटका, नहीं मिली जमानत। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मामले में दो दिन पहले सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आसाराम की निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय तक यह 9वीं बार जमानत खारिज हुई है। न्यायालय ने कहा कि मामला अंतिम दौर में चल रहा है, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। सोलह साल से अनशन कर रही इरोम शर्मिला को मिली जमानत। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के खिलाफ 16 साल से अनशन कर रही राज्य की आयरन लेडी इरोम शर्मिला के अदालत में दिए अनशन तोड़ने के वादे के बाद मंगलवार को यहां एक अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। इरोम ने अनशन तोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ट्रेन पर लगाए आतंकवादी बुरहान वानी के पोस्टर। पाकिस्तान ने कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के पोस्टर को आजादी स्पेशल ट्रेन पर जगह दी है। 14 अगस्त को यह स्पेशल ट्रेन पेशावर से कराची जाएगी। ट्रेन पर बुरहान वानी की तस्वीर बतौर शहीद लगाई गई है। साथ ही बीते दिनों कश्मीर हिंसा में मारे गए लोगों के पोस्टर भी ट्रेन की बोगियों पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान के साथ ही भारत के कुछ अलगाववादी नेता भी इस भारत विरोधी अभियान में पाकिस्तान सरकार का साथ दे रहे हैं। राजन ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी, कहा मुद्रा स्फीति बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। गवर्नर रघुराम राजन ने मार्च तक मुद्रा स्फीति लक्ष्य से ऊपर रहने का जोखिम का जिक्र करते हुए मंगलवार को नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक का नीतिगत रुख उदार बना हुआ है। मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा व्यवस्था में राजन के कार्यकाल की यह आखिरी बैठक थी और ज्यादातर विश्लेषकों ने वर्तमान आंतरिक वैवाहिक स्थितियों को ध्यान में रखकर यही अनुमान लगाया था कि राजन नीतिगत ब्याज दर में फिलहाल बदलाव नहीं करेंगे। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।